हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ महाप्रभु। मु थबीर आपण मानको थबीर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को पुणि थरे स्वागत करुचे। सांग माने आज सेसन रे आमे 2024 जनरल इलेक्शन पर इंडिया रे केउ केउ कैबिनेट मिनिस्टर केउ विभाग रो मंत्री होइचंती एवं सेमाने केउ निर्वाचन मंडली रो निर्वाचित होइथिले ताहा आज आमे एमसीक्यू माध्यम रे डिस्कशन करिबा, जहा कि आपनको अपकमिंग एग्जाम आरआई एआरआई अमीन एसएफएस आईसीडीएस सुपरवाइजर ओ डबल एससी सीजीएल एग्जाम पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिबो। एवं आज सेसन रु निश्चित आपण मैंने दुई रु तीन टी क्वेश्चन अपकमिंग जेकोसी एग्जामिनेसन देखा पाइपर चलतु डेरी करवानी आज सेसन टी आरंभ करवा। क्वेश्चन नंबर वन, हू हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ इंडिया। से कही कौन भारतर नूतन प्रधानमंत्री, व्यक्तिगत जन अभिजोग, परमाणु शक्ति विभाग और महाकाश विभाग मंत्री किए होती। यार करेक्ट आंसर हम कौन? ऑप्शन बी, हनरेबल श्री नरेंद्र मोदी, जेकि आम वर्तमान थर्ड टर्म बा तृतीय थर पर प्रधानमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करते। ये जो शपथ ग्रहण समारोह अनुषित होता क्योंठ अनुषित होता? राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली ठार अनुषित होता और केवे यहाँ अनुषित होता? 9 जून 2024 राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली ठार शपथ ग्रहण समारोह टी अनुषित होता। एवं नरेंद्र मोदी जो थर्ड टर्म पर प्रधानमंत्री होती से क्यों कन्स्टिट्युएन्सी निर्वाचन मंडल रू से लड़ी से वाराणसी, मन रखिथे वाराणसी यूपी रु उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाराणसी निर्वाचन मंडल रू से निर्वाचित होते। तृतीय थर पर प्रधानमंत्री भाव शपथ ग्रहण करते केवे 9 जून 2024 के राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह से शपथ ग्रहण करिथिले। एवं ए जो इलेक्शन टा हेतिले जनरल इलेक्शन, ये होची 18th लोकसभा, मन रखिथिबे ये होची 18th लोकसभा जनरल इलेक्शन। एवं जो इलेक्शन टी हेतिले ता केतोरी सीट पे इलेक्शन हेतिले? टोटल 543 सीट पे। एवं 543 सीट मध्यरु 423 सीट होची जनरल, 79 एससी कैटेगरी एवं 41 होची कोन एसटी कैटेगरी। 41 होची एसटी, 79 होची एससी एवं 423 होची कोन जनरल कैटेगरी पाई इलेक्शन हेतिला। एवं जो जून 9 2024 रे जो शपथ ग्रहण समारोह अनुष्ठित हेतिला टोटली केतोडी मिनिस्टर ओथ नेइथिले सेतर? टोटली 71 मिनिस्टर, केते 71 मिनिस्टर शपथ ग्रहण करथिले। सेथि मध्यरो 30 होची कैबिनेट मिनिस्टर, 30 जन होचंदी कैबिनेट मिनिस्टर एवं 5 जन मिनिस्टर होचंदी किए स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज रे, एवं 36 होचंदी किए स्टेट मिनिस्टर, 36 स्टेट मिनिस्टर, 30 कैबिनेट मिनिस्टर एवं आउ 5 जन जो मिनिस्टर रहिले तंगे स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज रे जून 9 2024 रे शपथ ग्रहण करथिले। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। से कौन पचार भारतर नूतन गृहमंत्री एवं सहयोगी मंत्री किए होती? यार करेक्ट आंसर हम कौन? ऑप्शन सी, अमित शाह। एवं अमित शाह क्यों कन्स्टिट्युएन्सी निर्वाचन मंडल से निर्वाचित होती ताकि कौन? गुजरात गांधीनगर, गुजरात गांधीनगर से निर्वाचन मंडल निर्वाचित होती। एवं अमित शाह होती कौन? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एवं मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, गृहमंत्री एवं सहयोगी मंत्री, ए दुईट विभाग दायित्व किए थे? अच्छा अमित शाह, एवं से गुजरात गांधीनगर निर्वाचन मंडली निर्वाचित होती। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज बिकम द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत नूतन प्रतिरक्षा मंत्री किए होती? यार करेक्ट आंसर हम कौन? ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वर्तमान प्रतिरक्षा मंत्री, जहाँ आम डिफेन्स मिनिस्टर बोली कह, से होती किए? राजनाथ सिंह। एवं से को कन्स्टिट्युएन्सी निर्वाचित होते हूँ लखनऊ, लखनऊ निर्वाचन मंडली से निर्वाचित होते किए? राजनाथ सिंह। एवं से होती नूतन प्रतिरक्षा मंत्री बा डिफेन्स मिनिस्टर कोर्ट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया। से पचार भारत नूतन सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्री किए अच्छा? यार करेक्ट आंसर हम कौन? ऑप्शन ए, नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी जी इंडिया रो नूतन सड़क परिवहन बा रोड ट्रांसपोर्ट एवं राजपथ मंत्री, हाईवे ऑफ इंडिया रो मंत्री होती।
एवं से को कॉन्स्टिट्यूएंसी रु निर्वाचित होइथिले ता होची नागपुर नागपुर महाराष्ट्र नागपुर कोठ रो महाराष्ट्र महाराष्ट्र रो नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी रु से प्रतिनिधित्व करूथिले एवं नितिन जयराम गडकरी जो मंत्री वर्तमान अछन्दे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे रो इंडिया रो से के कॉन्स्टिट्यूएंसी रु लड़ीथिले से होची नागपुर केउटारु नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी रु जहा कि महाराष्ट्र रे रहिछि महाराष्ट्र रो नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी रु से कोन करथिले निर्वाचित होइथिले बा लड़ीथिले आपण मानको क्वेश्चन पळि आसीबो जे नितिन जयराम गडकरी केउ निर्वाचन मंडली रु निर्वाचित होइथिले सेतबेला आपनकर आंसर कोन हबो नागपुर तनो आपण माने प्रति कैबिनेट मिनिस्टर किए अछन्ति एवं से के कॉन्स्टिट्यूएंसी बा निर्वाचन मंडली रु से निर्वाचित होइछन्ति तहा आपण मन रखिथांदो क्वेश्चन नंबर 5 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑफ इंडिया से पचारिछ कोन भारतर नूतन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रासायनिक एवं सार मंत्री किए होइछन्ति एहर करेक्ट आंसर हबो कोन ऑप्शन बी जगत प्रकाश नाडा जगत प्रकाश नाडा जो मंत्री को दुईटी विभाग दायित्व दिया जाइछि ताहा होछि कोन गोटिए होछि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एवं अन्य गोटिए होछि रासायनिक एवं सारा मंत्री गोटे हूँ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर आउ गोटे हूँ मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑफ इंडिया एवं जगत प्रकाश नाडा क्यों कॉन्स्टिट्यूएंसी रु निर्वाचित होती गुजरात मन रखी गुजरात रु निर्वाचन मंडल रु कौन होती निर्वाचित होती क्वेश्चन नंबर 6 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पचारिछि भारतर नूतन कृषि और कृषक कल्याण मंत्री तथा ग्राम्य उन्नयन मंत्री किए होइछन्ते एहार करेक्ट आंसर हबो कोन ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान एवं शिवराज सिंह चौहान केउं कॉन्स्टिट्यूएंसी रु निर्वाचित होइथिले ताहा होछि कोन विदिशा मन रखिथिबे विदिशा मध्यप्रदेश मध्यप्रदेशर विदिशा कॉन्स्टिट्यूएंसी रु से लड़ीथिले एवं से होछन्ति के शिवराज सिंह चौहान ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମର୍ସ ୱେଲଫେୟାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ହୁ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ କ'ଣ କହିଛି ଭାରତର ନୂତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ଅପସନ୍ ସି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଆଫେୟାର୍ସର ମଧ୍ୟ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେଉଁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସେ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ହୁ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦି ନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ କହିଛି କ'ଣ ଭାରତର ନୂତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ବି ଡକ୍ଟର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଜୟଶଙ୍କର ଡକ୍ଟର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଜୟଶଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏକି ନୂତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତର ସେ କେଉଁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଗୁଜରାଟ କୋଉଠୁ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଗୁଜରାଟ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ନୂତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ହୁ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ତଥା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ବି ମନୋହର ଲାଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋହର ଲାଲ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ତଥା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଏବଂ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପାୱାର ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦୁଇଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ ପାୱାର ମିନିଷ୍ଟର ବା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ ମନୋହର ଲାଲ ଏବଂ ମନୋହର ଲାଲ କେଉଁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସେ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣଲ କେଉଁଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣଲ ହରିୟାଣାରୁ କର୍ଣ୍ଣଲ ହରିୟାଣା ହରିୟାଣାର କର୍ଣ୍ଣଲ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ କିଏ ମନୋହର ଲାଲ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ତଥା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିଏ ମନୋହର ଲାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ହୁ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦି ନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
से कौन कहते भारत भारी शिल्प मंत्री तथा इस्पात मंत्री किए होते यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन डी एच डी कुमार स्वामी। एच डी कुमार स्वामी होती भारत भारी शिल्प मंत्री बा हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर एवं इस्पात मंत्री मध्य मिनिस्टर ऑफ स्टील ऑफ इंडिया रे मध्य मंत्री अछन्ति के एच डी कुमार स्वामी। एवं एच डी कुमार स्वामी क्यों निर्वाचन मंडली रो से निर्वाचित होइतिले से होची मांडिया मांडिया कोठो कर्नाटक कर्णाटक मांडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी से निर्वाचित होइतिले। क्वेश्चन नंबर 11 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया भारत नूतन वाणिज्य उद्योग मंत्री किए होइचन्ते यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन ए पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी नॉर्थ मुंबई कॉन्स्टिट्यूएंसी रु निर्वाचित होइचन्ते एवं श्रीयुक्त पीयूष गोयल होउचन्ते भारत नूतन वाणिज्य उद्योग मंत्री मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रो किए अछन्ते मिनिस्टर श्रीयुक्त पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 12 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया भारत नूतन शिक्षा मंत्री किए होइचन्ते यार करेक्ट आंसर हम कौन श्रीयुक्त धर्मेन्द्र प्रधान। श्रीयुक्त धर्मेन्द्र प्रधान होती भारत नूतन शिक्षा मंत्री बा एजुकेशन मिनिस्टर किए अच्छा श्रीयुक्त धर्मेन्द्र प्रधान। एवं धर्मेन्द्र प्रधान क्यों निर्वाचित होती संबलपुर ओडिशारु संबलपुर ओडिशारु ओडिशार संबलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी रु किए निर्वाचित होती श्रीयुक्त धर्मेन्द्र प्रधान। बहुत बहुत इंपोर्टेंट जेहेतु ओडिशार संबलपुर निर्वाचन मंडल निर्वाचित होती एजुकेशन मिनिस्टर किए श्रीयुक्त धर्मेन्द्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 13 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया भारत सूक्ष्म क्षुद्र एवं मध्यम उद्योग नूतन मंत्री किए होती यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन बी जीतन राम मंझी। जीतन राम मंझी होती भारत सूक्ष्म क्षुद्र एवं मध्यम उद्योग नूतन मंत्री श्रीयुक्त जीतन राम मांझी होती मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया। एवं श्रीयुक्त जीतन राम मांझी जी आमर गया लोकसभा बिहार रु कॉन्स्टिट्यूशन रु निर्वाचित होती बिहार रो गया कॉन्स्टिट्यूशन रु लोकसभा प्रार्थी हिसाब से जीतन राम मांझी निर्वाचित होती से होती मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया भारत सूक्ष्म क्षुद्र एवं मध्यम उद्योग नूतन मंत्री होती श्रीयुक्त जीतन राम मांझी। क्वेश्चन नंबर 14 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ पंचायतराज मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग ऑफ इंडिया भारत पंचायतराज मंत्री मत्स्य पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्री किए अच्छा यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन डी राजीव रंजन सिंह जहाँ को आम ललन सिंह बोली कहे श्रीयुक्त राजीव रंजन सिंह एलियास ललन सिंह होती भारत पंचायतराज मंत्री मत्स्य पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्री से होती मिनिस्टर ऑफ पंचायतराज मिनिस्टर ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग कोटर भारत एवं श्रीयुक्त राजीव रंजन सिंह क्यों कॉन्स्टिट्यूएंसी रु निर्वाचित होती हूँ मुंगेर क्यों ठार अच्छे बिहार बिहार रो मुंगेर निर्वाचन मंडली निर्वाचित होती किए श्रीयुक्त राजीव रंजन सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ऑफ इंडिया भारत नूतन बंदर परिवहन एवं जहाज चलाचल मंत्री किए होती यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन बी सर्वानंद सोनोवाल। सर्वानंद सोनोवाल होती भारत नूतन बंदर परिवहन एवं जहाज चलाचल मंत्री मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज भारत मंत्री अच्छा किए सर्वानंद सोनोवाल। एवं ये क्यों कॉन्स्टिट्यूएंसी रु निर्वाचित होती हूँ डिब्रुगढ़ कौटू डिब्रुगढ़ आसाम रु आसाम डिब्रुगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी रु किए निर्वाचित होती सर्वानंद सोनोवाल। एवं ये होती भारत नूतन बंदर परिवहन एवं जहाज चलाचल मंत्री। क्वेश्चन नंबर 16 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया भारत सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री किए होती यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन ए डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार। डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार होती भारत नूतन सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एवं
एम्पावरमेंट रो मिनिस्टर होचंदी के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एवं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार केउ निर्वाचन चनी मंडल रे निर्वाचित होइतिले से होची टीकामगढ़ मध्यप्रदेश रो टीकामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी रो निर्वाचित होइचंदी के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एवं से होचंती नूतन सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री भारतर। क्वेश्चन नंबर 17 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन भारतर नूतन बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री किए होइचंती एहर करेक्ट आंसर हबो कोन ऑप्शन डी किंजरापु राममोहन नायडू श्रीयुक्त किंजरापु राममोहन नायडू जे कि वर्तमान भारतर नूतन बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री अछंती सिविल एविएशन मिनिस्टर हो श्रीयुक्त किंजरापु राममोहन नायडू एवं क्यों कॉन्स्टिट्यूएंसी रु लड़ीते श्रीकाकुलम रु कॉन्स्टिट्यूएंसी रु लड़ीते किए श्रीयुक्त किंजरापु राममोहन नायडू एवं से अछंती के सिविल एविएशन रो मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 18 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भारतर नूतन ग्राहक व्यापार खाद्य जोगाण एवं खाउटी व्यापार मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरण योग्य शक्ति मंत्री किए होती यार करेक्ट आंसर ऑप्शन ए प्रहलाद जोशी श्रीयुक्त प्रहलाद जोशी जी कि भारतर नूतन ग्राहक व्यापार खाद्य जोगाण खाउटी व्यापार मंत्री तथा नवीकरण योग्य शक्ति मंत्री अछन्ति के श्रीयुक्त प्रहलाद जोशी एवं केउ निर्वाचन मंडल रु निर्वाचित होइछन्ति ता होची धारवाड कर्नाटक धारवाड निर्वाचन मंडल रु निर्वाचन होइछन्ति के श्रीयुक्त प्रहलाद जोशी एवं से होछन्ति मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रो मध्य। क्वेश्चन नंबर 19 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भारतर नूतन आदिवासी व्यापार मंत्री किए होती यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन सी जुअल ओराम होती भारतर आदिवासी व्यापार मंत्री न्यू मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफ इंडिया होती श्रीयुक्त जुअल ओराम एवं जुअल ओराम मध्य ओडिशार सुंदरगढ़ ओडिशार कौट सुंदरगढ़ निर्वाचन मंडल रु निर्वाचित होती ये बहुत बहुत इंपोर्टेंट मन रखिथे ओडिशार सुंदरगढ़ निर्वाचन मंडल रु निर्वाचित होती किए श्रीयुक्त ज्वालरम एवं से होती किए मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आदिवासी व्यापार मंत्री जे कि ओडिशार सुंदरगढ़ निर्वाचन मंडल रु निर्वाचित होती से होती किए श्रीयुक्त ज्वालरम। क्वेश्चन नंबर 20 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया भारतर नूतन बयन मंत्री किए होती यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन बी गिरिराज सिंह श्रीयुक्त गिरिराज सिंह जे कि भारतर नूतन बयन मंत्री मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया होती वर्तमान श्रीयुक्त गिरिराज सिंह एवं श्रीयुक्त गिरिराज सिंह क्यों कॉन्स्टिट्यूएंसी रु निर्वाचित होती ता हूँ बेगुसारी मन रखिथे बेगुसारी जहाँकि बिहार बेगुसारी कॉन्स्टिट्यूएंसी रु निर्वाचित होती किए श्रीयुक्त गिरिराज सिंह एवं श्रीयुक्त गिरिराज सिंह अछंती वर्तमान भारतर नूतन बयन मंत्री बा मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया रा वर्तमान अछंती के श्रीयुक्त गिरिराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 21 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ रेलवेज मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया भारतर नूतन रेल मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री किए होइचंती यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव श्रीयुक्त अश्विनी वैष्णव जी वर्तमान रेल विभाग मंत्री अछंती सूचना एवं प्रसारण मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री अछंती किए श्रीयुक्त अश्विनी वैष्णव एवं से राज्यसभा मेंबर हिसाब से ओडिशार से निर्वाचित होती अश्विनी वैष्णव केउठारु राज्यसभा मेंबर हिसाब से ओडिशार निर्वाचित होती। क्वेश्चन नंबर 22 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया भारतर उत्तर पूर्वांचल नूतन जोगाजोग मंत्री विकास मंत्री किए होती यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य एम स्किंजिया ये होती भारतर
उत्तर पूर्वांचल नूतन जोगाजोग मंत्री एवं विकास मंत्री मध्य मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रो मिनिस्टर होचंदे किए श्रीयुक्त ज्योतिरादित्य एम्स किंडिया एवं केउ कॉन्स्टिट्यूएंसी रो निर्वाचित होचंदे ता होचे गुना गुना कॉन्स्टिट्यूशन रो जहा कि मध्य प्रदेश रो गुना कॉन्स्टिट्यूएंसी रो निर्वाचित होचंदे से होचंदे के श्रीयुक्त ज्योतिरादित्य एम्स किंडिया से होचंदे के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रो डेवलपमेंट मिनिस्टर एवं कम्युनिकेशन मिनिस्टर मध्य क्वेश्चन नंबर 23 Who has become the new Minister of Environment, Forest and Climate Change of India? भारतर नूतन परिवेश जंगल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री किए होइछन्ते एहार करेक्ट आंसर हबो कोन ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव श्रीयुक्त भूपेंद्र यादव को दुईटी विभागर दायित्वर मंत्री अछन्ते से गोटिए होछि कोन परिवेश जंगल मंत्री एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मध्य मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एवं फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर मध्य किए अछन्ते श्रीयुक्त भूपेंद्र यादव एवं श्रीयुक्त भूपेन्द्र यादव क्यों कन्स्टिट्युएन्सी रे निर्वाचित होइतिले ता होछि अलवार मन रखिथिबे अलवार केउटा राजस्थान रो अलवार कन्स्टिट्युएन्सी रो श्रीयुक्त भूपेन्द्र यादव निर्वाचित होइछन्ति एवं से होछन्ति भारतर नूतन परिवेश जंगल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री क्वेश्चन नंबर 24 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ऑफ इंडिया से कौन कहते भारत नूतन संस्कृति मंत्री तथा पर्यटन मंत्री किए अच्छा यार करेक्ट आंसर हे कौन ऑप्शन ए गजेन्द्र सिंह शेखावत श्रीयुक्त गजेन्द्र सिंह शेखावत जिकि वर्तमान भारत नूतन संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री अच्छा किए श्रीयुक्त गजेन्द्र सिंह शेखावत श्रीयुक्त गजेन्द्र सिंह शेखावत जोधपुर कन्स्टिट्यूशन रु निर्वाचित होते जोधपुर जहाँकि राजस्थान रही राजस्थान जोधपुर निर्वाचन मंडल निर्वाचित होती किए श्रीयुक्त गजेन्द्र सिंह शेखावत और से अच्छा वर्तमान संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री भारत क्वेश्चन नंबर 25 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया भारत नूतन महिला और शिशु कल्याण व शिशु विकास मंत्री वर्तमान किए अच्छा से होती किए श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी वर्तमान भारत नूतन महिला और शिशु विकास मंत्री अच्छा मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंडिया एवं से क्यों कन्स्टिट्युएन्सी से निर्वाचित होते हूँ कडरमा मन रखिथे कडरमा झारखंड कडरमा कन्स्टिट्युएन्सी निर्वाचित होते किए अन्नपूर्णा देवी और से वर्तमान अच्छा किए महिला और शिशु विकास मंत्री क्वेश्चन नंबर 26 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑफ इंडिया संसदीय व्यापार मंत्री तथा भारत संख्यालघु व्यापार मंत्री जहाँ कि दुईट दायित्व दि जाएगी ताकि कौन गोटे हूँ पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर और अगर गोटे हूँ कौन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर और से होती किए किरेन रिजिजू जे वर्तमान संसदीय व्यापार मंत्री तथा भारत संख्यालघु व्यापार मंत्री अच्छा से अरुणाचल वेस्ट रु निर्वाचित होती क्यों कन्स्टिट्युएन्सी अरुणाचल वेस्ट कन्स्टिट्युएन्सी लड़ी थे किए किरेन रिजिजू एवं से अच्छा वर्तमान संसदीय व्यापार मंत्री तथा भारत संख्यालघु व्यापार मंत्री भारत क्वेश्चन नंबर 27 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया भारत नूतन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री किए अच्छा यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी जी वर्तमान नूतन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री अच्छा भारत एवं ये हूँ राज्यसभा प्रार्थी हिसाब से लड़ी क्योंठ लड़ी उत्तर प्रदेश यूपी राज्यसभा प्रार्थी हिसाब से उत्तर प्रदेश कन्स्टिट्युएन्सी लड़ी से होती किए श्रीयुक्त हरदीप सिंह पुरी एवं से वर्तमान पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मिनिस्टर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया भारत नूतन श्रम और निजुक्त विभाग मंत्री युव व्यापार एवं क्रीड़ा मंत्री किए अच्छा यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन बी डॉक्टर मनसुख मांडाविया जिकि गुजरात पोरबंदर कन्स्टिट्युएन्सी लड़ी थे से होती किए डॉक्टर मनसुख मांडाविया
एवं से वर्तमान अच्छा कौन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स नूतन श्रम और निजुक्त विभाग मंत्री युव व्यापार मंत्री और क्रीडा मंत्री अच्छा किए डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी गुजरात पोर बंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी लड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 29 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस ऑफ इंडिया भारत नूतन कोयला एवं खनि मंत्री किए होती यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन डी जी किशन रेड्डी श्रीजुक्त जी किशन रेड्डी वर्तमान भारत नूतन कोयला एवं खनि मंत्री अच्छा जी मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस इंडिया अच्छा श्रीजुक्त जी किशन रेड्डी क्यों निर्वाचन मंडल निर्वाचित होती हूँ सिकंदराबाद सिकंदराबाद क्यों ठार तेलंगाना तेलंगानार सिकंदराबाद निर्वाचन मंडल निर्वाचित होती कि श्रीजुक्त जी किशन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 30 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया भारत खाद्य प्रक्रियाकरण शिल्पर नूतन मंत्री किए अच्छा यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन ए चिराग पासवान चिराग पासवान जी कि वर्तमान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर अच्छा चिराग पासवान एवं चिराग पासवान क्यों कॉन्स्टिट्यूएंसी से निर्वाचित होते से होंगे किए हाजीपुर बिहार बिहार हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचित होते कि चिराग पासवान जी कि वर्तमान खाद्य प्रक्रियाकरण शिल्पर नूतन मंत्री अच्छा। क्वेश्चन नंबर 31 हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ जलशक्ति ऑफ इंडिया भारत जलशक्ति मंत्री किए अच्छा यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन सी सीआर पाटिल सीआर पाटिल श्रीजुक्त सीआर पाटिल पूरा नाम हूँ कौन श्रीजुक्त चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल जी कि वर्तमान भारत जलशक्ति मंत्री अच्छा श्रीजुक्त चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल एवं क्यों कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचित होती ताकि नवसारी मन रखिथे नवसारी कौन गुजरात गुजरात नवसारी कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचित होती श्रीजुक्त चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल जी कि वर्तमान भारत नूतन जलशक्ति मंत्री अच्छा। सांग मैंने आज सेसन में आम टॉप मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर 2024 रे क्यों विभाग मंत्री होती आम डिस्कसन कले जदि आज सेसन टी आपण भल लगी वीडियो टी गोटे लाइक करदे जदि यही चैनल रू आपने किसी शिखिपार मो चेल को सब्सक्राइब कर दिखाते। थैंक्स फर वाचिंग जय जगन्नाथ।